हालत हो गई अपने टेंट की, तबाही मचा दी तबाही, ये बुरा हाल हो गया है। चलो इसको ठीक करें भाई, उड़ जाएगा फट जाएगा। कैसा लगा मौली? अब हम भी आते हैं आपके पीछे। ये मेरा फॉर्मूला वन सेट कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने ऊपर से कहा था चेतन को, मैंने कहा ऐसे चला जा, मौली चला दी गाड़ी। अरे अब मौली का गाना यार गुड। चलो देखो अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, गाड़ी को एक साइड कर लेता हूँ, कभी मेरी गाड़ी कुचल देगी मौली बेकार। अच्छा तो भाई सीन ये है कि मेरी पागलपंती देख के कुछ लोग और भी खुश हो गए कि हम भी ऐसा करेंगे, बट ये मजा यार बचपना है, ये बचपना। ओके भैया बीच पर आ जाते हैं, कभी कुछ कुचल दिए जाए हम। हम दूर भाग रहे हैं। ओह ये तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच हो गया है। भाई ये तो सही है, नज़ारे जो हैं वल्ला बहुत ही सुंदर है। बताइए चारों तरफ आपको हिमालय का व्यू दिख रहा है, इससे अच्छा क्या है? सुबह सुबह आप उठो और हिमालय का व्यू देखो। अब बुलाए इन वादियों ने हमारे, पुकारा हम चले आए। जान हथेली फेले आए। गले में आ जाती है सांसें। सीरियसली दिस इज शाग, हाँ किलिंग किलिंग व्यू। अपनी गाड़ी हो गई सेट, अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। हवा बहुत तेज चल रही है भाई, बहुत तेज चल रही है भाई। देखो हमारे सारे डंडे वंडे तो गिर गए, उधर का डंडा गिर चुका है देखिए यार, और ये तबाही बच रही है यहाँ पे हवा में। हाल देखो यहाँ पे, हवा की वजह से पूरा ये डोम बन गया, देखो ऊपर से देखो उड़ा ये, और उधर हालत देखो कैसे हिम्मत से खाना ढक ढका के बना रही है, और वो भी पूरा प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि ये मैगी मैगी बन रहा है। सब्जी अच्छा, कौन कौन सी सब्जी? आलू गोभी की सब्जी है, आलू गोभी, ये दाल बन भी गई। ओ भाई वाह यार, लगता है यार अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार सीरियसली। तो वो आती ही भैया देख रहा था कटिंग वटिंग सब करने लग गई थी, बट मैं तो हिम्मत तोड़ देता हूँ इतनी तेज हवा में। इनका टेंट देखो ये वाला, ये तो पूरा दबाव मार रहा है, एडवेंचर हट वालों का है। अब अगर ये कुछ होता, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उड़ा नहीं है। 30,000 रुपये का टेंट है भाई, उड़े ना बस किसी तरीके से। हर जगह से पूरा वो क्या रखा है भाई? टूल बॉक्स। अच्छा टूल बॉक्स, ओके। क्या एंटर कर सकते हैं इसमें? अच्छा ओके, वो चारों तरफ सामान इसलिए रखा है कि वेट। हाँ मैं दिखा दूँ तो भाई, तो ये देखिए कितना सुंदर घर बना रखा है अंदर, अंदर से तो डोमी लग रहा है ये पूरा, ऊपर से उड़ा है, बट गुड है, कोई जानवर वाना तो आ नहीं सकता क्योंकि पूरा जिप है, नीचे से ना कोई सांप वाप या कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी से ही लगा हुआ है यहाँ पे, और गाड़ी से अगर कुछ सामान निकालना है तो चेन भी लगी हुई है यहाँ पे, तो ये सही है। ऑनिंग के साथ प्लस टेंट भी है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। आपका एक मतलब अगर इधर से एक्सेस करना चाहते हैं आप गाड़ी में जाना चाहते हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ हाँ देखिए मैंने एंटर कर गया हूँ यहाँ पे, और ये पूरा आराम से तीन जने चार जने आराम से सो सकते हैं, हाँ और पूरा आराम से कंफर्टेबल होके। तो और यहाँ भी खिड़की भी है साइड में, इधर खिड़की भी है और गाड़ी में एक्सेस करने के लिए टू साइड है, इधर भी इधर भी। बहुत बढ़िया। तो मौली जी कब लगवाया था आपने? I think
नवंबर में। अच्छा, कितनी बार कर चुके हैं कैंपिंग इसमें? सोलो कर ली है, फैमिली मतलब काफी बार कर। और इन्होंने पहले मैं मिलवाता हूँ भाई साहब, आप अपना शुभ नाम बताएं। चेतन। चेतन, मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया नहीं, ये चेतन है और ये मौली। और ये वैसे तो दिल्ली से हैं, बट नाउ शी इज सेटल्ड इन ऋषिकेश, उत्तराखंड ऋषिकेश। एंड भाई, चार दिन से मेरे साथ कैंपिंग कर रहा हूँ, बट इनके हाथ का एक बार कोई खाना खा ले, लाजवाब है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, दे दो मुझे। तो और ये तो इनका यहाँ पे सोने का चार जनों का बना रखा है सोने का, दो जने यहाँ सो सकते हैं और दो जने गाड़ी में भी सो सकते हैं, तो सोने का उन्होंने वहाँ पे भी बना रखा है। तो कभी इनका मन करे तो गाड़ी में सो सकते हैं, जब मन करे ये यार प्लीज़ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी यार, इसको बंद कर दो यार। और ये और देखिए हवा, देखिए इस हवा में बड़ी हिम्मत से अभी भी खाना बन रहा है। अच्छा ये बताइए, ये गाड़ी जो है कौन सी गाड़ी है सर, कौन सा मॉडल है? हाँ, N8 लिया हमने। N8 टॉप से एक नीचे वाला। अच्छा, क्योंकि टॉप इसने नहीं लिया क्योंकि इसमें हमने अपने अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफिकेशन करानी थी, अलॉय सिस्टम और ये सब, तो फिर बाकी सारा लेके हमने आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, और मैं इस गाड़ी के बारे में, चेतन आइए प्लीज जरा थोड़ा सा अंदर से समझाइए कि इसमें जो अंदर आपने जो कलरफुल करा रखा है ये कैसे करवाया आपने? ये मतलब कंपनी तो देती नहीं है? नहीं, कंपनी ने तो बहुत ही इनका बेसिक इंटीरियर होता है। हाँ, तो इंटीरियर तो क्या इतना शौक? तो भाई ये शौकीन आदमी है। इंटीरियर देखिए आप, रेड ब्लैक, रूफ पूरी चेंज करा रही है। हाँ। आगे की है फ्रंट रूफ लाइट भी हमने सब चेंज करा रखी है। हाँ, बताइए, क्योंकि जो कंपनी की लाइट जो आती है हाँ, वो बहुत ही डिम है, बहुत ही डिम है, मजा नहीं आता, तो उसको हमने पीछे कर दिया। तो ये भाई साहब डीजल है ना? ये डीजल है, ये डीजल ही आती है, न्यू डीजल। तो कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी वहां लगा रहे हैं? ये हमें ऑन रोड 1170 की पड़ी, 1170 की। अलॉय सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इनपुट थर्मल सिस्टम, ये सब हमने अलग लगवाया, अलग लगवाया था सर। बाकी सर आफ्टर मार्केट है ये 70 बैट से लेके जो भी सब कुछ। अच्छा, अब बन गया है तो अराउंड एक तरीके से 1,00,000 और 1170, तो 13 के आसपास का टोटल पैकेज बना, प्लस ये भी 30,000, ये भी है 30,000 का, तो एडवेंचर हट वालों का है ये। तो वाटर मैनेजमेंट में तो आपने क्या कर रखा है इसमें? वाटर मैनेजमेंट में अभी हमने टेम्प्रेरी किया हुआ है कि अभी हम ये कि हमारे पास 20 लीटर के कैन है और बाकी दो 5-5 लीटर के छोटे वाटर कंटेनर है, तो जिससे अभी हम कर रहे हैं। पावर मैनेजमेंट के लिए आप चार्जर का ही है। ओके, तो ये अभी इसका मेरे ख्याल में अभी बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी, बट आई थिंक वो कह रहे हैं ठीक कर देंगे। हाँ, अभी कुछ मतलब चार्ज हो नहीं रहा था, चार्ज हो नहीं रहा था ये। हाँ, जिनसे लिया उनसे बात ही, उन्होंने बोला कि आप हमें वापस दे दो। भाई साहब ये देख लो कितनी मुश्किल परिस्थितियों में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये बेचारे मुझे जवाब भी दे रहे हैं ठीक से, क्योंकि हवा बहुत तेज है, समझ भी नहीं आ रहा। नहीं देखिए, ये तो लेह लद्दाख से भी तेज लग रही है मुझे इस समय। ये तो हो गया जी, बाकी हाँ जी आप सब कुछ बता दिया। अब ये बताइए कि इसमें आप बाथरूम कैसे यूज़ कर, तो अच्छा ये सेट कर रखा है आपने अपने? ओके, बड़े यार, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हवा में होल्ड कराया है, होप सो।
वहाँ से बोलते हैं सपोर्ट दिए और गाड़ी से दिए, गाड़ी से और एक इधर भी दिए, इधर नीचे भी दिए। हो वाह भाई, भाई इधर में ना जाए उसका मैंने मेरा तो आपने दिया, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर दिया, हेड्स ऑफ टू यू यार। इसके बाद भी उड़ जाए तो फिर नहीं भाई, ये हमारी ये डिफिकल्ट वाली कैंपिंग है ये, बाकी आज की तो खास कर ये बिल्कुल सही कह रहा है। जो सेटअप करने में हमें इतना टाइम लग गया कि मतलब इतनी देर में तो हम पता नहीं शायद खाना वाना भी खा चुके होते हैं, लेकिन आज बाकी कैंप सेटअप और इसको बहुत टाइम लग गया, बहुत मुश्किल पर नहीं आगे जाएं। सही बात है, बट यार हम वी आर ट्राइंग अवर की डिफिकल्टी में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख में भी अगर कहीं जाएंगे कल तो उसमें वहाँ पे भी बहुत तेज हवा चलती है, तो ये एक बार ट्राई करके देखें। ट्रेनिंग चल रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो गाड़ी कैसी लग रही है आपको? वाई ओनली, आपके पास तो गाड़ियाँ बहुत है, लाइन लगी हुई है, इशू जो भी लगी हुई लग रहा है, तो आपने वाई दिस? एक्चुअली मैं तो इस सच बोलूँ तो इस गाड़ी से मैं इतनी खुश नहीं हूँ। अच्छा। मेरी फैमिली में सब लोग कह रहे हैं कि एक चीज अच्छी है इस गाड़ी की कि इकोनॉमिकल है ये गाड़ी। अच्छा। इन एवरी सेंस, अगर हम इसका क्या बोलते हैं सर्विस वगैरह भी करवाते हैं। हाँ, तो प्राइस वाइज भी करेक्ट। आई थिंक ग्राउंड क्लीयरेंस भी इसकी अच्छी है। तो आप रिकमेंड करती हैं जो इस बजट में, इसका बजट अगर 12 लाख से ऊपर है? सीसी के रखने के बाद एक 1500 सीसी पे आ गया तो आपको पावर का थोड़ा बहुत तो पता चल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो वो भी एक फैक्टर है, वो फैक्टर है। बाकी वैसे गाड़ी में कोई कमी नहीं। चलिए तो जिसका भाई इनका कहने का मकसद है कि अगर जिसका 11 से 12 का बजट है तो और ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी चाहिए और उसको ओवरलैंडिंग करनी है तो ये गाड़ी ले सकता है। बाकी सेटअप देख ही लिया, बेड का यार एज यूजुअल इनका किचन तो आपने देख ही लिया, इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से एक ये भी लगा रखा है बॉक्स जिसमें ये जी ये सारे मसाले रखे हुए इसमें, ये अंदर चला जाता है, ये इनका चूल्हा भी अंदर चला जाता है एक तरीके से करेक्ट। और ये भी ख्याल में आपका इसमें सिलेंडर होगा वो पीछे वहाँ पे लगा दिया उन्होंने पाइप लगा के एज यूजुअल, तो इसका बहुत अच्छा यूज है। और प्लस ये इनका पूरा स्टोरेज का है यहाँ पे, और ये बेड है ये जो ले हो जाता है, ये अभी जो सामान रखा हुआ है और आप देख रहे हैं हवा अभी ओपन किया है, तो मैंने इसलिए मैं कहा चलो आप कर ही लेते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज है, और मैं कहा आपको दिखा दूँ आइडिया दे दूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सेटअप किया है। और बाकी यार इन लोगों को आप इनका चैनल भी है मेरे ख्याल में आपका ना कोई या बन स्टार्टिंग है, तो अभी चैनल इनका जब बनेगा तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा अभी। बाकी दिस पेयर इज गुड यार, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग, ही इज़ नाइस शी इज़ वेरी स्वीट, तो बोथ ऑफ देम, तो जस्ट आप जब भी मिलें इनसे तो एंड इनसे मौली जी से खाना जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं गलत कर रहा हूँ वैसे सॉरी फॉर डैट, बट ये कि कोई आएगा कि आपकी बहुत तारीफ भी खा लेगी, तो ये जब खाना अच्छा बनाती तो बनाती है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच मौली जी, फिर मिलते हैं फिर बात करेंगे आपसे।